बार चल दुनिया नहीं ये बबल। ये क्या बकवास कर रही है? अस्सलाम वालेकुम जोजी बहन, कैसी हो यार? इतने दिन हो गए, पूरे मोहल्ले में तुम दिखाई नहीं दे रही। हाँ यार, मैं नहीं अब जाती कहीं। पता है क्या है, ये जब से मनहूस किराएदार आए हैं ना, मैं कहीं निकल ही नहीं सकती, इनकी निगरानी करनी पड़ती है। वही तो जोजी, तुम्हें तो कोई खबर ही नहीं कि क्या होने जा रहा मोहल्ले में। हाय हाय शम्मो, क्या होने जा रहा है? जल्दी जल्दी रिपोर्टें दे मुझे। अरे रिपोर्टें तो पीर को आएंगी ना, क्योंकि आज ही ब्लड टेस्ट करवाएंगे। नहीं, मैं आस पड़ोस की रिपोर्टों की बात कर रही हूँ, क्या चल रहा है? वही तो मैं तुम्हें बताने आई हूँ, इलाके में काउंसिलर का इलेक्शन होने जा रहा है। तो फिर तुम फौरन खड़ी हो जाओ। हाय नहीं, फौरन नहीं खड़ी हो सकती, मेरे तो गोड़ों में इतना दर्द शुरू हो जाता है। अरे बाबा, मैं इलेक्शन में खड़े होने की बात कर रही हूँ। लो जी, मैंने क्या करना है इलेक्शन में खड़े होकर? अरे मेरी प्यारी जोजी, सोच अगर तू एक बार इलेक्शन जीत गई तो पूरे इलाके में तेरी कितनी धूम होगी, सब तेरे आगे पीछे घूमेंगे। और वो तेरी किराएदार है ना मुमताज, उसने तो जल के भुन जाना है। हाँ ये तो है, वो मुमताज तो सड़ के जल के भुन जानी है। तो बस मैं फॉर्म लेकर आ रही हूँ, तू उस पे नाम लिख देना। भाई पढ़िए, ये तो बता कि मेरे मुकाबले में कौन खड़ा हो रहा है? वो है एक उम्मीदवार, लेकिन उसने कोई जीतना भी इतना नहीं, जीतोगी तो तुम ही। यास्मीन अपनी सेल्फी भी भेजो ना। देखो मैंने अपनी सेल्फी भेजी है ना तुम्हें? हाँ। अरे नहीं नहीं भाई, वो हमायों सईद की नहीं है, मेरी है। उसकी शक्ल ना मुझसे मिलती है। अरे दूर का रिश्तेदार है मेरा। हाँ लेकिन मैं एक बात बताऊं तुम्हें, मैं उससे ना कोई 3 साल और कोई 4 महीने छोटा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ। यास्मीन भेजो ना। जी यास्मीन बाजी, नहीं देखिए, मैं आपकी बेटी की शादी में गांव नहीं आ सकता ना, मैंने कहा ना। अच्छा चले, मैं एक काम करूंगा, मैं उसके जहेज के लिए ना कोई बर्तन, कोई टी सेट, वाटर सेट, पतीलियां, 4-5 रजाइयां ये मैं भिजवा दूंगा, आप फिक्र नहीं कीजिएगा। हाँ लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। खुदा हाफिज। वो गांव में ना यास्मीन बाजी मेरी दूर की बहन है। हाँ उनकी बेटी की शादी है, वो बात कर रहा था मैं। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ कि तुम क्या कह रही थी? अब तखार, मैं स्टेशन पे खड़ी होना चाहती हूँ। स्टेशन पे क्यों जाना है मोमो, जब मैंने यास्मीन बाजी को कह दिया है कि हम उनकी बेटी की शादी में नहीं आ सकते तो बस बात खत्म। और मैं वो लड़ना चाहती हूँ। वो क्या, कुश्ती? ना ना कुश्ती नहीं, वो जो इलाके में होने वाला है ना, वो भाई क्या होने वाला है इलाके में? वही जिसमें सब वोट डालते हैं ना। अरे भाई वोट तो इलेक्शन में डालते हैं मोमो। हाँ हाँ इलेक्शन इलेक्शन, मुझे ना इलेक्शन में खड़ा होना है बशीर। महमूद? अच्छा महमूद भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है? अरे महमूद मैं हूँ भाई। ना तो आपको शर्म नहीं आएगी, आप मेरे खिलाफ वोट लड़ेंगे? अरे मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा और ना ही तुम लड़ोगी। अरे जो जी लड़ेगी तो फिर मोमा भी लड़ेगी। अरे ये इलेक्शन विलेक्शन तुम्हारे बस की बात नहीं है मोमा। जानू मुझे ना तुमसे छोटा सा, थोड़ा सा मासूम सा एक लोन चाहिए। मैं कोई लोन नहीं दे सकती नबील। जानू ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए और 25 साल में सूद समेत वापस कर दूंगा। 20 साल के बाद कहाँ से उतारोगे? जब पापा जी इस दुनिया में नहीं होंगे और उनकी पूरी जायदाद मेरे नाम होगी तो बड़ी आसानी से मैं लोन उतार दूंगा तुम्हारा। छोटा सा तो लोन है। ओ माँ जी, मैं आपके बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, क्या हुआ कहीं छत से महमूद साहब तो नहीं गिर गए? मैंने कसम खाई है दिल, मैंने भी उधर खड़ा होना है जहाँ जोजी खड़ी हुई है। माँ जी आप किसी और जगह खड़ी हो जाए ना यार, क्यों जोजी बाजी को तंग कर रही हैं? वो फिर हमारा सर खाएंगी। वो इलेक्शन में खड़ी हो रही है पुत्र, तो मुझे भी खड़ा होना है। ओ माँ जी छोड़े खड़े होने दे यार, उन्होंने कौन सा इलेक्शन जीतना है यार, आप रहने दे। क्यों रहने दे नबील, काउंसलर का इलेक्शन है। सोचो अगर जोजी आंटी जीत गई तो हमारे साथ क्या करेंगी, हमें माजी का साथ देना चाहिए इलेक्शन में। थैंक यू शगुफ्ता। खूबसूरत माजी। हाँ मैं ना तुझे दिन रात खूबसूरत खूबसूरत कहूंगी, बस तू मेरा साथ दे दे इसमें। माजी मैं आपके साथ हूँ, चले काउंसलर की इलेक्शन का फॉर्म लेकर आते, ये इलेक्शन तो आप ही जीतेंगी। हाँ आजा, चल चल आजा। जानू जानू मेरे लोन का क्या हुआ? जानू 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 ना जानू प्लीज लोन, मेरा लोन। अरे भाई वाह वाह वाह, सदियों में ऐसे स्लोगन बनते हैं, हमारा काउंसलर कैसा होगा, जोजी बेगम जैसा होगा,
वाह वाह जोजी बे मुस्तकीम साहब, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? अरे होना क्या है नबील मियां, इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। एक बात की मुझे समझ नहीं आई है मुस्तकीम साहब, अरे ये जोजी बेगम को वोट कौन देगा? अरे भी क्यों नहीं वोट देंगे, सभी वोट देंगे। हम ऐसी मुहिम चलाएंगे, ऐसी तकरीर लिखेंगे जोजी बेगम के लिए कि सभी जोजी बेगम को वोट देंगे। और फिर मुलाहिदा फरमाइएगा, जब हम काउंसलर के शौहर नामदार बन जाएंगे तो हमारी भी इलाके में बहुत इज्जत होगी। बहुत बस करते हैं मुस्तकीम साहब, बस ही करते हैं। शायद आपके इल्म में नहीं है कि माँ जी भी इलेक्शन के लिए खड़ी हो रही हैं। हां जी। अरे भाई होती है तो होने दे खड़ी, जीतेंगी हमारी जोजी बेगम ही। मगर एक बात याद रखिएगा, काउंसलर के शौहर बनने के बाद हम आप लोगों को मुंह नहीं लगाएंगे। लीजिए जनाब, ये है हमारा मंशूर। जोजी बेगम काउंसलर बनने के बाद इलाके के लिए क्या क्या काम करेंगी, वो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। अरे रहने दे आप पकड़े इसको, मोमो के होते हुए जोजी जी को वोट कौन देगा? जीतेगी भाई जीतेगी, मोमो मैडम जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी, मोमो मैडम जीतेगी। अरे एक मिनट, हमारा काउंसलर कैसा होगा? जोजी बेगम जैसा होगा। चल बे, जीतेगी भाई जीतेगी, मोमो मैडम जीतेगी। सरताज क्या है आज से आपने मुझे मैडम काउंसलर बोलना है? अरे पहले बंद तो लो तुम। माँ जी ये ले आपकी स्पीच, इधर अंग्रेजी में है ना? हाँ माँ जी, अब इसे अच्छी तरह याद कर ले प्लीज। हाँ देखना, याद करके जब मैं फर स्पीच बोलूंगी ना तो ये जूजी है ना उसको मुंह लमक जाएगा। माँ जी मुझे लगता है लोगों की भी चीखें निकली जा रही है। ऐसा? अरे लेकिन मुमताज तुम इतनी सारी अंग्रेजी बोलोगी कैसे? मैं तो फर अंग्रेजी बोल लूंगी, मैंने बड़ी अंग्रेजी फिल्में देखी हुई है, बल्कि मैं तो पैदा ही अमरीका में हुई थी। माँ जी आपकी पैदाइश तो टोबा टेक सिंह की नहीं थी? ओहो पुत्र तुझे नहीं पता, बाद में उसका नाम अमरीका हो गया था, तू बड़ा छोटा था उस वक्त। माँ जी सब छोड़े, आप प्लीज स्पीच की प्रैक्टिस करें। ओके ओके पढ़े। माय बिलव्ड मुमताज महल, व्हाट आई गो टू टेल इट, आई आस्क्ड टू वेयर व्हाट 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 गिव व्हाट व्हाट, डोंट आस्क हु यू, आई से हु यू। माँ जी अब क्या पढ़नी है यार, ये तो लिखा भी नहीं है, लोग हंसेंगे आप पे। ना तो मैं कौन सा पढ़ रही हूँ, मुझे कौन सा पढ़ना आता है, मुंह मेरा टेढ़ा हो गया पढ़ते पढ़ते। जानो तुम एक काम करो, माँ जी को ना पंजाबी में तकरीर लिख के दो, तुम देखना फिर माँ जी ने तबाही फेर देनी है। वो जो तुम्हारी माँ ने फेर देनी है वो तबाही है। तकरीबन महफूस है, तबाही है। अच्छा जी, जीतेगी भाई जीतेगी, कदी ना कदी ते जीतेगी। अब मुमताज जीतेगी, जीतेगी भाई जीतेगी। प्रैक्टिस करें। मुअज्जज़ ख़वातीनो हज़रात, शुक्रिया शुक्रिया, आपकी खिदमत में आपकी कनीज का सलाम। ओए कनीज कौन है? अरे आप बेगम और कौन? ओए मैं काउंसलर हूँ, कनीज नहीं हूँ। मैं जोजी बेगम आप सबकी खिदमत में एक शेर अर्ज करती हूँ। ओए मैं शेर क्यों अर्ज करूँगी, मैं तो आवाम के मसले हल करने आई हूँ या शेर और शायरी करने? अरे बेगम कमाल कर रही हैं आप, इतना बड़ा मजमा होगा, एक आध शेर हमारा पढ़ देंगी तो हमें भी दाद मिल जाएगी मजमे से। मुझसे मिलेगी जुत्ती? अरे वो तो हमें रोज ही मिलती है, अब तो हम काउंसलर के शौहर नामदार बनने वाले हैं, शायद इस हिसाब से हमें भी थोड़ी सी इज्जत आप बख्शी दें। अरे छोड़िए इन बातों को, आगे तो पढ़िए क्या है। मैं यहाँ पे अपने नेक शरीफ और मजलूम मजाजी खुदा मुस्तकीम की वजह से खड़ी हूँ। मुस्तकीम के बच्चे, ये तकरीर तुमने इलेक्शन जितवाने के लिए लिखी है या अपनी मशहूरी करने के लिए? पकड़ो, मैं लिखवा लूंगी किसी और से। अरे बेगम अपने शौहर नामदार के होते हुए इतने बड़े शायर, आप अपनी तकरीर किसी और से लिखवाएंगी, ये तो सरासर बेइज्जती है हमारी। और कितने बड़े शायर, रहने दे मैं बोल लूंगी जो मैंने बोलना होगा खुदी। अरे बोल तो लेगी बेगम, एक आध हमारी भी नजम पढ़ देती, कोई गजल सुना देती पब्लिक को, वाह वाह के डोंगरे बरसते हमारे लिए। मुझसे प्यार करने वाले करोड़ों साथियों, जे मैं जीत गई ते सबसे पहले मैं वो करूंगी तेरा खून। ओए
इलाके की काउंसलर को धमकियां देती है। तेरी ये मजाल, फिर तू जानती नहीं मेरे मिये कमाल को है। चुप कर जाओ, अपने मिये का नाम तो याद नहीं रहता तुझे। ओए मुझे उनका नाम अच्छी तरह याद है, उनका नाम कुतुबुद्दीन है। चुपचाप अपना नाम इलेक्शन से वापस ले ले, नहीं तो मैं बता रही हूँ बड़ी बेइज्जती होनी है तेरी। ओए बेइज्जती तेरी होगी जब तुझे एक भी वो नहीं मिलेगा। वो क्या? वो जो वाम मुझे देगी। गालियाँ? ओए गालियाँ नहीं, वो जिसकी वजह से इलेक्शन जीतते हैं। पैसा? ओए नहीं नहीं पैसा नहीं, वो। ओए क्या वो लगा रखी है, दिमाग दी दही करनी है। तू जितनी भी कोशिश कर लेना, तुझे एक भी वोट नहीं मिलना। वोट यही तो मैं भी कह रही हूँ कि तुझे एक भी वोट नहीं मिलना, इंशाल्लाह तआलाहुल अजीज। और तू जो भी कर ले, जीतूंगी मैं ही। पता क्योंकि मेरा इंतखाबी निशान है ये परांदा। वैसे तेरा इंतखाबी निशान क्या है? ओए वही जो मैंने आँखों पे लगाया हुआ है। सुरमा? ओए नहीं नहीं सुरमा नहीं, ये है मेरा इंतखाबी निशान। वाह क्या चंगा इंतखाबी निशान चुना है तूने, ऐनक वाला जिन्न ते है तू। हाय जोजी बहन, मैं क्या बताऊँ, तेरे नाम की कितनी धूम मची हुई मोहल्ले में, देखना सारे परांदे पे ही ठप्पा लगाएंगे। हाँ, पता है शम्मो, मैं सोच रही हूँ कि लेडीज में ना फ्री परांदे बांटी धूम है। वैसे एक बात बताओ, काफी लोग उस मुमताज की भी हिमायत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है उसने लोगों को लालच दिया। कैसा लालच? अरे मेरी भोली जोजी, तू बहुत ज्यादा मासूम है, तुझे क्या पता, आजकल तो लोग वोट की लालच में लोगों को चप्पले जोड़े पर्स पता नहीं क्या क्या देते और वोट अपने नाम करा लेते। नहीं, इन सब में तो बड़ा ही खर्चा हो जाएगा शम्मो। अरे कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, तू सोच अगर वो मुमताज जीत गई तो पूरे मोहल्ले में उसकी वाह वाह होगी और तुझे तो वो 24 घंटे ताने दिया करेगी तेरे घर में रहते हुए कि वो जीती है। हाँ ठीक कह रही है तू, जीती बता अब मैं क्या करूँ। तुम ना बिल्कुल फिक्र ना करो, तुम बस मुझे 3-4 लाख दे दो। 3-4 लाख? अरे मेरी बहन, काउंसलर बन जाने के बाद ना सब कुछ रिकवर हो जाएगा, तू इस पर टेंशन ना ले, तेरा जीतना जरूरी है बस। मैंने सबको बता दिया है कि 4 बजे जोजी का जलसा है, सारे तैयार हैं। और तू देखना अब मैं उस मुमताज को ऐसा सीधा करती हूँ, देखना ये ऐसा डरेगी कि भाग जाएगी, अपना नाम खुद वापस ले लेगी। हाँ जा जा जा, मैं पैसों का कुछ बंदोबस्त करती हूँ, करना पड़ेगा भाई करना पड़ेगा। काउंसलर जोजी बेगम, मैं तो कहती हूँ मुमताज बहन को ही काउंसलर बनना चाहिए, इसलिए आप लोगों से बगैर पूछे मैंने घर घर जाके सबसे कह दिया है कि सिर्फ एनेक पर ही मोहर लगाए। अच्छा लेकिन क्यों, आप तो जोजी आंटी की दोस्त है ना? हाँ उसकी दोस्त हूँ, इसलिए तो अच्छी तरह जानती हूँ कि वो कितनी बदमिजाज और गुस्से की तेज है, भला उससे थोड़ी सारे मोहल्ले के मसले हल होने, गुस्सा हर वक्त उसकी नाक पे रहता। कह तो आप बिल्कुल ठीक रही है। अच्छा आपको क्या लगता है माजी के जीतने के क्या चांसेस हैं? अरे बहुत चांसेस हैं, जोजी को वैसे ही कोई वोट नहीं देने वाला और वो तीसरा उम्मीदवार बस ऐसे ही है, कितने सालों से तो वो हारता ही आ रहा है, बची सिर्फ मुमताज बहन, इनको लोग वैसे ही बहुत पसंद करते क्योंकि बुलबुले हर घर में बहुत मशहूर है। थैंक यू थैंक यू। एक बात कहूँ बहन, ये जो जोजी है ना रिश्वत में लोगों को जोड़े और बिरयानी के थैले दे रही है वोट के नाम पर। वैसे तो जोजी को कोई खास पसंद करता नहीं, लेकिन अगर वो इसी तरह पैसा खर्च करती रही तो वो जरूर जीत जाएगी। हमें भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए तबस्सुम, तू ऐसा कर मेरी तरफ से ना लोगों के घर में मिठाई के डिब्बे भिजवा और उसके साथ 2-2 हजार रुपये। अच्छा और मैं इतने पैसे लाऊंगी कहाँ से माँ जी? ना देख बात सुन, अपने प्यो से ना उधार मांग ले, वरना अगर जो जी जीत गई सबसे ज्यादा उसने तेरा जीना हराम करना है। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ ना पैसे अरेंज करने की, आप जब तक स्पीच याद करें अच्छी तरह, जो जी आंटी से ज्यादा अच्छी स्पीच देनी है आपने। चले खोले याद करें, आप प्लीज जरा मॉनिटर करें। जीतेगी भाई जीतेगी, मुमताज बाजी जीतेगी। मैं बाजी नहीं हूँ तेरी, 2-3 साल छोटी हूँ मैं तुझसे। लीजिएगा वोट के साथ साथ जोजी बेगम के लिए दुआ भी कीजिएगा। ले आप भी लीजिएगा, आप भी ले। ये क्या हो रहा है भाई, कोई हमें भी तो चिखाए। खबरदार जो इसको बिरयानी को हाथ भी लगाया तो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जोजी बेगम को वोट देंगे। अरे दे देंगे उन्हें वोट, ऐसी क्या बात है भाई। मुझे एक बात तो बताए, अरे ये बिरयानियां खिला के कितने के वोट ले लेंगे आप जोजी बेगम के लिए? देखिए मोहतरम, ये रिश्वत नहीं है, ये तो एक तोहफा है उन लोगों के लिए जो जोजी बेगम का साथ दे रहे हैं। अरे ये सारी बिरयानी जाया हो जाएगी मुस्तकीम साहब। वो क्यों भला? क्योंकि जो तोहफे आवाम को हम देने वाले हैं ना, उनका मुकाबला नहीं है।
अच्छा भाई, ऐसा क्या देने वाले आप आवाम को? अरे फी बंदा 2,000 रुपए कड़क वाले नोट, एक एक मोबाइल, एक एक मोटरसाइकिल और साथ में एक एक साइकिल छोटी बच्चों के लिए भी। हाँ जी, मगर ये फरमाइए कि आपके पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे हम खानदानी रईस हैं, पैसों की कमी नहीं है हमारे पास। तुम सिर्फ ये सोचो मुस्तकीम कि मोमो के काउंसलर बनने के बाद तुम दोनों मियां बीवी ये मुंह कहाँ छुपाओगे? अरे हम मुंह क्यों छुपाते फिरेंगे? एक बात याद रखना, जीतेंगी सिर्फ जोजी बेगम, जीतेंगी भाई जीतेंगी, जोजी बेगम जीते जीतेगी भाई जीतेगी। अरे इतने फजूल में उठा के ले गए हो, अगर हमें खिला देते कम पका कोई नहीं जीतेगी, मेरी बद्दुआ है, जाओ चलो चलो जल्दी से ना, 2,50,000 रुपए दो जनू जल्दी से। 2,50,000 किस लिए? जनू तुम्हें नहीं पता, इलेक्शन में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। मैं और महमूद साहब ने सोचा है कि जो लोग हमें वोट देंगे हम उन्हें 5-5 लीटर पेट्रोल देंगे। तो अपनी जेब से दो नबील। जानू मेरी जेब में तो पेट्रोल नहीं है और मेरी जेब में पैसे नहीं है। जानू उस वक्त तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी यार, बड़ी सपोर्ट कर रही थी माँ जी को, इस तरह माँ जी नहीं जीत पाएंगी। ये इलेक्शन माँ जी ही जीतेंगी क्योंकि मैं ऑलरेडी शम्मू आंटी को 4,00,000 रुपए दे चुकी हूँ माँ जी की प्रमोशन के लिए। आस पास के सारे घरों में कपड़े और मिठाई भिजवा रही हूँ माँ जी की तरफ से। जानू बड़ी शातिर हो वैसे तुम, लेकिन ये 4,00,000 तुम मुझे भी तो दे सकती थी। तुम पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है नवीन। चलो वैसे इस मामले में तुम बिल्कुल अपने पापा जी पे गई हो यार। Shut up नवीन। It's not okay। जी आप बताइए। सर बच्चे का FSC क्लियर नहीं हो रहा पिछले 3 साल से। लो महमूद साहब का पिछले 100 साल में क्लियर नहीं हुआ। नवीन महमूद साहब लिखे। अरे लिख तो रहा हूँ और मैं क्या सब्जियों के नाम लिख रहा हूँ। लिखे। अरे आप टेंशन ना ले, माँ जी के काउंसलर बनते ही आपका ये मसला हल हो जाएगा, आपका बेटा टॉप करेगा। लेकिन आपने वोट किसको देना है? एनक को। किसने लगाना है? एनक पे। भाई 4 दिन से गैस नहीं आ रही। महमूद साहब इसको पेट का वो चूरन दे जो आप खाकर रात को धमाके नहीं करते। नोट करें। अरे भाई लाइन पे गैस नहीं आ रही, 4 दिन से खाना बाहर से आ रहा है। अरे आप खाना मुमताज बेगम के किचन से ले जा सकते हैं, बड़ा लजीज खाना है। हाँ लेकिन वोट आपने एनक को देना है। हाँ यानी मुमताज मैडम को देना है। बाबा बेगम बहुत डंडों से मारती, इसका इलाज करो ना सही। वो जो माँ जी ने आपको मारा था और आपने सूजन पर मरहम लगाया था वो इसको दे दे। वो 3 दिन पहले खूबसूरत ने जो तुम्हें नाक में मारा था और सूज गया था तुम्हारा नाक, वो तुम्हारे पास है मरहम। तुम आगे शाम को मरहम ले जाना, लेकिन वोट तुमने एनक को देना है, एनक में लगाना है ठपाइयू करके। वाह भाई वाह, ये सब क्या हो रहा है? गरीब आवाम को रिश्वत दी जा रही है? अरे रिश्वत नहीं दे रहे भाई, हम तो इनके मसले सुन रहे हैं। अरे ताकि जैसे ही मोमो काउंसलर बने हम फौरन इनके मसले हल करने शुरू कर दें। तो फिर लाइए ये हमें दीजिएगा, क्योंकि काउंसलर तो सिर्फ जोजी बेगम ही बनेंगी, फिर हम इनके सारे मसले हल कर देंगे। अरे माँ जी जीतेंगी, माँ जी एनक जीतेगी। कौन जीतेगा? एनक जीतेगी। वोट दो। अरे भाई इसका तो पता चलेगा जलसे में जाके कौन जीतता है कौन हारता है, देख लेंगे जलसे में। मैं सब चले तैयारी कर, जलसे की तैयारी। कौन जीतेगा? एनक जीतेगी। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं। माँ जी माँ जी शुरू करें। मेरे प्यारे करोड़ों चाहने वाली आवाम, मैं हूँ आपकी प्यारी मादरी माँ जी मुमताज। माँ जी मेरी माँ जी का नाम मुमताज है। माँ जी आपका नाम मुमताज है? हाँ जी मेरा नाम मुमताज है। और अगर आपने मुझे वो दिया। वो क्या माँ जी? वोट माँ जी वोट। हाँ, अगर आपने मुझे वोट दिया तो मैं सारे गटर के ढक्कन चोरी कर लूंगी। माँ जी का मतलब है कि गटर के ढक्कन लगा देंगे। तालियां।
मसले को हल करने के लिए मैंने ये सोचा है कि सबके घर में पानी के कुएं खुदवा दूंगी। और तालीम के लिए आप क्या करेंगी? ओए मैं खुद सबको फ्री तालीम दूंगी। वाह, तू खुद तीजी फेल है, तू क्या तालीम देगी? और बस तेरा टाइम मुक गया ते मेरा टाइम स्टार्ट। चलो जी, कितनी अच्छी बात पे तालियां होनी चाहिए। तालियां बहनो ते मेरे भराओ, सलाम अलैकुम जोजी दा। लो जी, जे तो मेरी इस भैन मुमताज ने कुएं ना खुदवाए तो जोजी का वादा है कि इस शहर के हर खंबे के साथ एक भैंस मैं अपने पिंड से ला के एहो जी मोटी बांधूंगी और वो दूध आपके लिए फ्री होगा। और जो भैंसे इतना इतना गोबर करेंगी उनका क्या होगा जोजी जी? वो मुस्तकीम साहब उठाएंगे। बहुत चंगा सवाल किया आपने। वो जो गोबर है उसको हम सुखा के दीवारों पे पीजे पूजे ला के उसको हम जलाएंगे, उसके बाद उसमें खाना भी पकाएंगे और उस धुएं से मच्छर भी नहीं आएगा, तो डिंगी फ्री बन जाएगा हमारा इलाका। आखिर में अपनी तकरीर के अख्तताम पे एक शेर अर्ज किया है मैंने, टींडे टींडे बड़े मजेदार, लस्से पियो ते मारो डकार। ये मिठाई थोड़ी खा लूं रबीना। खूबसूरत माँ जी। हाँ कितनी प्यारी खूबसूरत मिठाई है, थोड़ी खा लूं, अच्छा शुगन होता है, रहा नहीं जा रहा। माँ जी थोड़ा सबर कर ले, रिजल्ट आता ही होगा, फिर खा ले सारे। हाय, एक बारी मेरे जितन दी खबर आन दे, फिर मैं अपने हाथों से मिठाई खिलाऊंगी। मैं जीतूंगी। ओए मैं जीतूंगी। ओए छेती छेती बताएं रिजल्ट क्या निकला है। अरे जोजी बेगम आप तो बिल्कुल नहीं जीती। बेगम आपको कुल मिला के 3 वोट पड़े हैं, एक तो खाकसार का था, एक आपका था, एक कोई नामालूम कोई शख्स डाल गया वोट। इसका मतलब है मैं जीत गई हूँ। बल्ले 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 बल्ले। माँ जी मुबारक हो। माँ जी आप भी नहीं जीती, आपको टोटल 2 वोट पड़े हैं, एक मेरा और एक आपका अपना। महमूद साहब ने पता नहीं किसको वोट डाला। कटिया आदमी सच सच बता, किसको वोट डाल के आया तुम? एक मिनट, अगर आप दोनों नहीं जीती तो जीता कौन है? मुबारक हो। ओए कितने दी मुबारक हो, हम तो दोनों ही हार गई हैं। अब लेकिन मेरे मियाँ तो जीत गए ना। क्या तेरा मियाँ? हाँ ना, तीसरे उम्मीदवार मेरे मियाँ ही तो थे, वो हर बार इलेक्शन हार ही जाते थे काउंसलर का। तो मैंने ये सोचा कि इस बार तुम दोनों को उनके मुकाबले खड़ा कर देती हूँ, तुम दोनों को वैसे ही कोई नहीं जानता तो वही जीतेंगे ना। ओए मीसणिए, वो जो तुम मुझसे इतने सारे पैसे लेके गई थी, वो पैसे तो हमसे भी लेकर गई थी। निकाल मेरे पैसे। अब देखो वो सारे पैसे तो इलेक्शन में ही खर्च हो गए, लेकिन मैं लाई हूँ ना आप सबके लिए मिठाई। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते